हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ। और जो आपको मेरे बेड पे पीछे ये सामान दिख रहा है, एक्चुअली हमारे घर में थोड़ी रेनोवेशन चल रही है। स्टोर में थोड़ा बहुत सामान मेरे बेड पर रख दिया गया है, तो इसको इग्नोर मारें। और ये मेरा टेडी बियर था जिसे मैं आपको मिला रही थी। तो गाइज, आज की व्लॉग में हमने क्या करना है, जो हमारे फेस पे मतलब बहुत ज़्यादा मैल वगैरह जम जाती है बाहर घूम घूम के, और हमें अपनी स्किन को हेल्दी भी बनाना होता है, तो हमें मतलब कैसे हम ये सब चीज़ें अपने फेस के लिए करें घर बैठे बहुत ही आराम से और बहुत ही सस्ते में। आपके पास बस नारियल तेल और कैस्टर ऑयल और ये गुलाब जल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, गुलाब जल से अपने फेस पे स्प्रे कर देना है। जिसके पास ये स्प्रे वाला नहीं है, वो कॉटन से भी अपने फेस पे गुलाब जल लगा सकता है। तो लो जी, सबसे पहले मैंने अपने फेस से जितनी भी डस्ट है कॉटन से निकाल देनी है, मतलब गुलाब जल की मदद से। तो मतलब करना है इससे, मतलब कॉटन से जो डस्ट निकलती है वो अलग लेवल की होती है। अगाए जो कैस्टर ऑयल है और जो नारियल का तेल है, इन दोनों का कोकोनट ऑयल मीन मतलब इन दोनों का जो हम मिक्सअप बनाते हैं बहुत ही हमारे फेस के लिए बेनिफिट होता है। हमारे फेस मतलब अच्छा हो जाता है। आप कहीं पे भी सर्च मारें, कुछ भी करें, देखना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा। और जो ये दोनों ऑयल हैं ये आपके बालों के लिए भी काफ़ी अच्छी होते हैं। हाँ, तो आपने क्या करना है, ये दोनों ऑयल अपने हाथ में ले लेने हैं थोड़े थोड़े। जैसे ये लिया मैंने, अब दूसरा भी लूँगी, इकट्ठे थोड़े थोड़े लेने हैं। तो फिर इनको अच्छे से हमने मिक्स करना है, हीट प्रोड्यूस करनी है अपने हाथों से रब करके, और फिर हमने अपने फेस पे इस तरीके से लगा देना है। देखो जैसे मैं लगाऊंगी ठप ठप, तो लो जी, अब उसके बाद हमारी मसाज प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हमने अच्छे से जो ये ऑयल है ना, ये आपके फेस को चिपक जाता है, ये आराम से नहीं निकलेगा। तो आपने इसकी अच्छे से पहले मसाज करनी है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। तो अच्छे से मसाज करनी है, बिल्कुल आलस नहीं करना है। थोड़ा मुश्किल लगेगा इसकी मसाज करना, पर करनी है क्योंकि अच्छा है। जो फेस पे आपके दानों के बाद निशान भी हो जाते हैं ना गाइस, इससे आपके फेस पे जो निशान है वो भी जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। बस आप इसको 15 दिन तक डेली रात को ट्राई करो, जो आपके फेस पे जो निशान वगैरह होंगे, नारियल तेल तो ऐसे भी माना जाता है कि निशान वगैरह होते हैं उसके लिए बेस्ट, मतलब उनको हटाने के लिए बेस्ट माना जाता है। चाहे अगर आपको लगी भी होगी ना, उस पर भी आप नारियल तेल लगाओगे, आपको 15-20 दिन में ही, अगर आप डेली रूटीन में लगाओगे तो आपको 15-20 दिन में ही अच्छा रिजल्ट आपको दिख जाएगा। तो गाइस, आराम से मज़े से, कोई टेंशन नहीं, कोई आलस नहीं करना है, आराम से हमने अपने फेस पे मसाज कर देनी है। तो जी, मैं तो लगी करने, मुझे तो मज़ा आता है। और आपकी सीरियसली जो डस्ट हमारी फेस वॉश से नहीं निकलती है डेली बेसिस पे, वो आपको ये मसाज करने से निकलेगी। बीच में आप गुलाब जल की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना ऐसे चिप 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 हो जाता है, तो आपको गुलाब जल की मदद ले लेनी चाहिए बीच बीच में। और एक चीज़ और, मेरे 1 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, थैंक यू सो मच टू माय यूट्यूब फैमिली। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो, और मैं ऐसे ऐसे व्लॉग लाऊंगी, मतलब जो आपके फेस के लिए, बालों के लिए, जो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होती है मैं वही डालती हूँ हमेशा। जो चीज़ मैंने अपने फेस पे अप्लाई की होती है ना गाइस, मैं एक दिन बाद ही अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ, ताकि अगर कोई भी इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हो तो मतलब वो चीज़ मैं अपलोड ही नहीं करती हूँ। एक दो बार मेरा फेस ख़राब भी हुआ है, वो चीज़ मैंने अपलोड ही नहीं की है, जिससे मेरे फेस पर खुद मतलब बेनिफिट नहीं हुआ, वो चीज़ मैं शेयर नहीं करती हूँ। तो जो चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, इससे आपको नुकसान होने का तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, जिसकी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है वो बिल्कुल ट्राई ना करें, क्योंकि किसी किसी की स्किन बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होती है। अदरवाइज़ ये नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट है, जो चीज़ मैं दिखाती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो उसके बाद जब हमने मसाज कर लेनी है, उसके बाद आपने बर्फ़ अपने फेस पे अप्लाई करनी है, क्योंकि इस मसाज को करते वक्त आपका फेस काफ़ी हीट प्रोड्यूस करेगा। हाँ, बर्फ़ कभी भी मतलब एकदम से अपने फेस पे अप्लाई नहीं करते हैं, बट मेरे फेस पे जो ये ऑयल लगा है ये मेरे को एक कवरेज दे रहा है, तो उसके बाद मैं ये बर्फ़ लगा सकती हूँ। अगर मैं मतलब इसके ऊपर कोई मतलब हैंकी वगैरह की हेल्प लेती तो मेरे को इतना प्रॉफिट नहीं होता। तो आपने बर्फ़ ज़रूर लगानी है गाइस। तो उसके बाद आपने कॉटन की मदद से अपना फेस अच्छे से क्लीन कर देना है। आपने फेस वॉश नहीं करना है,
आपने सिर्फ मतलब कॉटन से ही कर करके जितने जितना रह जाएगा रहन देना है और सो जाना है। ये मैंने रात में अप्लाई किया, आप भी इसको रात में अप्लाई करना गाइस। तो मेरे व्लॉग में, आज के व्लॉग में मेरा इतना ही था। मुझे लाइक करो, मुझे शेयर करो, जो जो मेरी वीडियो पूरी देखते हैं मुझे कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो देखते हो, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहो। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा 7 महीने के अंदर मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए, मेरे लिए बहुत बिग डील थी। मैंने सोचा था कि मेरे 1 साल तो कम से कम लगेगा, बट नहीं, मैंने 7 महीने में ही 1,000 सब्सक्राइबर हो गए। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच गाइज। तो आज के व्लॉग में इतना ही था, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।